हमारे प्रेमचंद यादव बहुत बढ़िया और हमारे गांव के संरक्षक थे, छोटे और सबको बड़ों को एक तार समझते थे। और दुबे का परिवार जो है उनकी औरत और वो घमंड थे, वो 100 बीघा का जोतनिहार है उनको गरीब बनाया जा रहा है, और जो 10 बीघा का जोतनिहार है उसको बहुत बड़ा भूमिया माफिया बनाया जा रहा है। ये क्या भू माफिया नहीं हो, वो कहाँ है कोई दिखाए? फिर उनको कहा तो जा रहा है भू माफिया है तो कहाँ है? को कह रहे हैं वो अपने मर्जी से कह रहे हैं, योगी जी कहवा रहे हैं। मैं नाई हूँ और ब्राह्मण है, इस पितृ विसर्जन में किसका भागवत, किसका कथा और किसका रामायण होता है? आप लोग हिंदू होंगे तो आप हमसे सोशल मीडिया वाले भाई बताएंगे किसके अगर होता है, तो मैं मानूंगा कि होता है। उसे तो जितनी बार पूछा जा रहा हो यही बता रहा कि हम गए थे। तो आप पूछने के अधिकारी हैं ना? नहीं देखिए, वो जो बताएंगे हम तो वही सुन सकते हैं। नहीं, नहीं, वो आप जो कह रहे हम सुन सकते नहीं, हैं नहीं, कैसे हम कह सकते हैं कि आप होता कि नहीं कह रहे हैं? आप मीडिया वाले हैं, आप सबसे हमारे यहाँ प्रभारी हैं, सबका जो है कि पहुँचाने वाले हैं, जो भी मतलब ये होता है कार्य आप भी पहुँचाते हैं, तो आपको इसमें कहना चाहिए, आपको पूछना चाहिए कि ये बतलाइए किसके घर गए थे, उसके घर पहुँचा जाए, सरकार पहुँचे, ये कहाँ हुआ है, किसके घर कथा हुआ है, वो भी तो मिलना चाहिए। आप कैसे कहते हैं, मान लीजिए अगर कोई मर गया है तो उसका भी करवाने जा सकते हैं, जैसे कोई मर जाता है तो फिर मरने का नहीं, उसमें वो चाहिए ना, वो भी तो चाहिए ना कि यादव घर गए थे, कि हरजन के घर गए थे, कि पासी घर गए थे, कि गौड़ के घर गए थे, किस बिरादरी में किसी ब्राह्मण के यहाँ गए थे, वो ब्राह्मण भी बताएगा 5 बजे उसके घर कौन कजिया होती है, वो बताए हमें। सत्यप्रकाश दुबे के भाई जो थे वो प्रेमचंद यादव को, अपने भाई को छोड़कर आखिर प्रेमचंद यादव के घर क्यों रहते थे? यह इसके लिए रहते थे कि वो हमारे बड़े भाई को मार दिया, हमें भी मार देगा, मारने का धमकी दिया था। आप मीडिया वाले हैं, आप बतलाइए सत्य है गलत है? नहीं देखिए, सरकार तो कभी पैमाइश करा सकती है, कभी नहीं कराएगी। आज वो मर गया तो पैमाइश करा रही है, और जब जिंदा था तो क्यों नहीं करवाई? आप बतलाइए हमसे, आप मीडिया वाले हैं, कौन दोषी है इसमें? इस वक्त हम मौजूद हैं देवरिया के फतेहपुर गांव के पास, वही देवरिया का फतेहपुर जहाँ जो इस समय सुर्खियों में है। यहाँ पर 2 परिवार से 6 लोगों की जान चली जाती है जमीनी विवाद में। चाचा ये बताइए, दोनों परिवार को आप जानते थे? जी हम क्योंकि हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि आप शर्मा हैं तो आप आते जाते रहे होंगे, क्यों शादी ब्याह पड़ता रहा होगा फिर भी आते जाते रहे होंगे, तो वो कैसे थे दोनों परिवार? सर ऐसा है कि प्रेम यादव जो है हमारे गांव में सबसे सुरक्षित व्यक्ति थे, और हमारे यहाँ किसी के यहाँ जाते थे तो कोई काम करते थे तो सबके लिए करते थे, ये नहीं है कि अन्य बिरादरी है तो विवाद करें और विवाद की बातें करें। ब्राह्मण जो हैं, जो सत्यप्रकाश दुबे जी हैं, वह 100 बीघा का जोतनिहार हैं, लेकिन वह सबसे पहले अपने को गरीब साबित करते हैं। ठीक है, उनकी जो है मकान या ये दिखाया जा रहा है हमारे सरकार में योगी जी में, यह सब गलत है, क्योंकि उन्होंने इस रूप में छुपा करके वो अपनी मकान नहीं बनवाए। और अगर यह प्रेम यादव ने मकान बनवा दी तो उसके लिए भ्रष्टाचार के लिए हमारे योगी के पूरे परिवार, ब्राह्मण परिवार उनके पीछे लड़ाई कर रहा है कि उनके मकान ध्वस्त हो जाए। दूसरी बात यह है कि अगर हमारी सरकार योगी जी हैं या हमारे यहाँ का विधायक जयप्रकाश जी हैं और लोग कमलेश पासवान जी हैं जो हमारे यहाँ का सांसद हैं पूर्व देवरिया के, उनको यह सोचना चाहिए कि हम यहाँ के जनता से हम आज इस जगह पर पहुँचे हुए हैं कि आज हम जो है कि सरकार के लिए यह योगी जी मुख्यमंत्री बने हुए हैं, सांसद जो है अखिलेश जी बने हुए हैं, कमलेश जी, और दूसरी बात योगी जी मुख्यमंत्री बने हैं, यह पूरे जनता का वोट ले करके और पूरे मतलब यादव या चमार सियार पासी राजभर गौड़ यानी अन्य बिरादरी जितनी है ब्राह्मण सबको ले करके वो आज जो है कि राज में मुख्यमंत्री बने हैं, तो उनका हम लोगों का पूरा जनता का स्वभाव सुनना चाहिए क्या गलत है क्या सही है। आप ये बतलाइए कि जब प्रेम यादव का पहले कत्ल हो गया उसके 1 घंटे के बाद उनके घर खबर आई कि हाँ ब्राह्मण परिवार का जो है ये हो गया, तो उनके घर के लोग गए हैं, पता नहीं कौन गया कौन उनका हत्या किया,
और प्रेम का किसने किया, यह जो है सरकार को योजना निकाल करके और सुविधाएं सीबीआई जांच करानी चाहिए और सबको संरक्षण में डालना चाहिए कि जनता ऐसे न बखला। मान लिया आप विवाद कर रहे हैं तो ये ब्राह्मण विवाद हो रहा है, बताइए पहले सबसे पहले सामरोह जो है ब्राह्मणों ने किया, 16 नंबर त्रिपाठी के घर हुआ, चोर तो त्रिपाठी हैं कि सबसे पहले उस बच्चों को छुपाए हैं। किसको, कोई किस बच्चे को? सत्य प्रकाश दुबे के। कैसे आपको पता? हमको पता इसलिए हुआ कि जब हम लोग गांव में थे, जब वीडियो वायरल आया हुआ, जब हम लोगों को मिला और रियल उनसे बात हो रही है कि सरकार न्याय करे, दोनों पक्ष का न्याय चाहिए, तो सरकार हमारी सुन नहीं रही है, केवल कह रही है बुलडोजर चलाएंगे। क्यों यादव घर बुलडोजर चल रही है? सब बिरादरी, हर बिरादरी के घर जो है कि जमीन छकाई हुई है, ब्राह्मण हो या बाबू हो, कोई भी बिरादरी हो, अन्य बिरादरी, सब लोग छिकाए हुए हैं, सब लोग बसे हुए हैं। तो जो 20 साल पहले से बसा हुआ है, तो अधिकार सरकार कही है, यही सरकार कही है कि जो 20 साल पहले से उसी का भूमि होना चाहिए। क्या आपको पता है कि उनकी जमीन जो है सरकारी जमीन में है? नहीं, उनका घर, अगर उनका घर सरकारी जमीन में है तो गिरना चाहिए कि नहीं गिरना चाहिए? बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि जो जमीन उनके बाप दादों की लिखाई है, उनके पिताजी ने मकान बनवाई है, उसके लिए सरकार पैमाइश उल्टा करवा करके उसको डलवा रही है भूमि स्थान, यह खाली है, यह सरकारी जमीन है, बंजर जमीन है, उस पर जो है कि वो न्याय नहीं कर रही है, अन्याय कर रही है, उसको दिखा रहे हैं कि यह घर भी उसी में है, सरकारी जमीन में। उसके लिए भी हमारे प्रत्यक्ष जो हमारे अधिकारी हैं कह रहे हैं कि अगर वो भूमि अगर इस तरह है कि मान लीजिए कि जैसे कि लोग कह रहे हैं कि सरकारी जमीन है, उस जमीन को प्रत्यक्ष में गिराने का अधिकार योगी जी का तत्काल नहीं है, उसका निरीक्षण करके योगी जी उसे गिराएं, अगर सही है तो गिरा लो, और नहीं हो तो मत गिराओ, लेकिन गिराने का भी अधिकार नहीं है। आप ही कहे हैं कि 20 साल से जो उस जमीन पर रहेगा उस जमीन को नहीं गिराया जाएगा। तो क्या उनकी जमीन सरकार, उनका घर सरकारी जमीन में है? सरकारी नहीं है, उनके दादाजी का जमीन लिखा हुआ, और जो हमारे भूतपूर्व सैनिक राम भवन यादव जी ने उस मकान को बनाया है, उनके संबंधित तो मकान बनी, आज जो है ब्राह्मण दलित देख करके उस मकान को चाह रहे हैं कि हम गिरवा दें। इससे पहले उनके घर की 2 बार पैमाइश हो गई है वहाँ की जमीन की? हाँ, 2014 की बात कीजिए, आज मान लीजिए आज तो 2 बार पैमाइश हो गई, जब यह कांड हुआ है तो 2 बार पैमाइश हुई है। इसके पहले हमारी प्रशासन और सरकार कहाँ थी कि उसका जो है कि निर्णय नहीं निकाली, उसका पैमाइश नहीं करवाई, आज पैमाइश करवा रही है, यह क्या मतलब है? आप बतलाइए, आप मीडिया वाले हैं, आप बतलाइए यह सत्य है गलत है? नहीं देखिए, सरकार तो कभी पैमाइश करा सकती है? कभी नहीं कराएगी, आज वो मर गया तो पैमाइश करा रही है, और जब जिंदा था तो क्यों नहीं करवाई, आप बतलाइए हमसे, आप मीडिया वाले हैं। कौन दोषी है इसमें? दोषी इसमें योगी सरकार है, प्रशासन है, सभी लोग हैं, व्यवस्थापक हैं, जितने लोग, ये सब लोग दोषी हैं। मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा, मीडिया वाले से अनुरोध करूंगा कि जो सच्चाई है वो आप लोग सामने उभार कीजिए। अच्छा ये बताइए, आप शर्मा जी हैं तो शादी ब्याह कराने तो जाते रहे होंगे? हाँ जी जाते हैं। और अब कभी आप सत्य प्रकाश दुबे के परिवार से या सत्य प्रकाश दुबे से मिले थे? सत्य प्रकाश दुबे हमसे बहुत बार मिले हैं, वो उन्होंने बहुत काम किया है, हमारे गाँव में हमारे बगल में एक बुढ़िया गई थी खेत में, उनके रोपनी करने के लिए सत्य प्रकाश दुबे बुलाने के लिए आए थे, एक राजभर की औरत, जब वहाँ गई वो रोपनी कर ले, मान लीजिए जो मजदूरा जाएगा और जैसे आएगा वैसा ही करेगा, तो सत्य प्रकाश दुबे की औरत डंडा लिए लिया, कहली कि यही रोपाला मुआ ले उन्हन के दौड़ा लिए ली, तो इतना गंभीर उनकी औरत थी, इतना गंभीर वो थी कि एक लड़के का मॉडल करके और अब आप दिखा रही है कि हमने मॉडल नहीं किया। अच्छा वो परिवार कितने भाई थे, दुबे परिवार कितने भाई? दुबे परिवार के 3 भाई थे, पहले एक भाई का उसने ही हत्या कर दिया, दूसरा भाई जब प्रेम प्रधान के यहाँ आया और उसने प्रेम प्रधान से रोने लगा, हत्या कर दिया, ये तो प्रशासन का मामला था उस समय जांच करने का। हाँ, आप इतने तो साक्ष्य जांच नहीं किया, इतने साक्ष्य के साथ कैसे कह सकते हैं? आपके पास कोई साक्ष्य है? हम उसका भाई का, हम उसके सामने खड़े थे, उसने कहा कि हमारे भैया ने ऐसे किया, प्रेम प्रधान के यहाँ जब आया तो प्रेम प्रधान दुबे जी के यहाँ 4 बार गए और उनसे रिक्वेस्ट भी किए कि ऐसे ऐसे कह रहे हैं,
आप रख लीजिए, जो भी होगा हम करेंगे, आपके साथ देंगे। अच्छा ये बताइए, सत्य प्रकाश दुबे के भाई जो थे वो प्रेमचंद यादव को, अपने भाई को छोड़कर आखिर प्रेमचंद यादव के घर क्यों रहते थे? यह इसके लिए रहते थे कि वो हमारे बड़े भाई को मार दिया, हमें भी मार देगा, मारने का धमकी दिया था। हाँ, वो आज भी ज्ञान चंद जो उनके भाई हैं वो इसमें एकदम मौजूदी हालत में खड़े हैं, लेकिन सरकार प्रशासन उनको आने नहीं दे रही है, वो कह भी रहे हैं आपसे। लेकिन वो लोग तो कहते हैं उनका बेटा जो एक क्या नाम है अभी वहाँ पे हैं देवरिया में, अभय दुबे, उनका बेटा सत्य प्रकाश दुबे के बेटा, वो बोल रहे हैं कि हमारे चाचा को बहका फुसला के जमीन लिखवाया गया। नहीं नहीं, ये गलत बोल रहा है, वो सत्यवादी अगर है तो ग्राम सभा में सौरभ मलिक त्रिपाठी ले आए और उसके परिवार को इकट्ठा करके, जो उसके देखिए बराबर 12 फंसे हुए हैं ना, 3 लोग हैं ना, बाकी नात रिश्तेदार हैं हमारे गांव का, दुर्गेश यादव को जो है, मान लीजिए किसी का रिश्तेदार मर जाएगा तो भैया सब लोग जाएंगे और उसके लाश के लिए आग्रह करेंगे कि मिलेगा तो हम लोग जलाएंगे, लेकिन हमारे भाई को ले जा करके देवरिया में फावड़ा और डंडा पकड़ा करके प्रशासन उसका फोटो ली है और उसको नामजद रपट की है, और यहाँ जो है राजभर हैं वह गरीब आदमी आपके खेती में काम करने वाले उनको भी ले जा करके ज़बरदस्ती बंद किए हैं, और राम जी जो राम भवन के प्रेम के भाई हैं वो भी उस समय देवरिया थे और देवरिया से आवाज़ सुनते यहाँ आए, और उसके बाद जो है जो गांव की जनता गई क्या हुआ हम लोगों ने नहीं देखा, या सरकार को सोचनी चाहिए। 2 को जब ये घटना हुई थी तो सुबह का समय था या शाम का समय? नहीं, सुबह का समय था ये, उस समय शायद लोग बता रहे हैं कि हल्की हल्की बारिश भी हो रही थी जी। तो उस समय प्रेमचंद यादव वहाँ पे गए क्यों थे? हाँ, वहाँ ये सूचना मिला कि जैसे प्रेम यादव को किसी ने बुलाया और कई बहाने लगाया कि खेत में पानी चल रहा है, लकड़ी कट रहा है, उसमें कई बहाने लगा करके उन्होंने उनको बुलाया और प्रेम यादव यहाँ से सीधे मोटरसाइकिल उठाए और उनकी औरत जो है चाय के लिए भी पुकार की कि चाय पी करके जाइए, तो दूसरा फोन आया तो उन्होंने उठ करके वहाँ से मोटरसाइकिल उठाया और चले गए दुबे जी के घर। और दुबे जी के घर, सुनिए एक मिनट, दुबे जी के घर पहुँचने के बाद वो खेत में घूम रहे हैं, घूमने के बाद उनकी मोटरसाइकिल जब वहाँ खड़ी थी तो उनका लड़का उठा करके ले करके अपने घर चला गया। वो तो बोलता हम पिंडदान करने गए थे। वो पिंडदान आप बताइए, मैं नाई हूँ और ब्राह्मण है, इस पितृ विसर्जन में किसका भागवत, किसका कथा और किसका रामायण होता है? आप लोग हिंदू होंगे तो आप हमसे सोशल मीडिया वाले भाई बताएंगे किसके घर होता है, तो मैं मानूंगा कि होता है। उसे तो जितनी बार पूछा जा रहा हूँ यही बता रहा कि हम गए थे। तो आप पूछने के अधिकारी हैं ना। नहीं देखिए, वो जो बताएंगे हम तो वही सुन सकते हैं। नहीं, नहीं, वो आप जो कह रहे हम सुन सकते नहीं, नहीं, हैं। कैसे हम कह सकते हैं कि आप होता कि नहीं कह रहे हैं? आप मीडिया वाले हैं, आप सबसे हमारे यहाँ प्रभारी हैं, सबका जो है कि पहुँचाने वाले हैं, जो भी मतलब ये होता है कार्य आप भी पहुँचाते हैं, तो आपको इसमें कहना चाहिए, आपको पूछना चाहिए कि ये बतलाइए किसके घर गए थे, उसके घर पहुँचा जाए, सरकार पहुँचे ये कहाँ हुआ है, किसके घर कथा हुआ है, वो भी तो मिलना चाहिए। आप कैसे कहते हैं, मान लीजिए अगर कोई मर गया है तो उसका भी करवाने जा सकते हैं, जैसे कोई मर जाता है तो फिर मरने का नहीं, उसमें वो चाहिए ना, वो भी तो चाहिए ना, कि यादव घर गए थे कि हरजन के घर गए थे कि पासी घर गए थे कि गौड़ के घर गए थे, किस बिरादरी में किसी ब्राह्मण के यहाँ गए थे, वो ब्राह्मण भी बताएगा 5 उसके घर कौन कजिया होती है, वो बताए हमें, वो बताएगा हमें ना, आपसे भी बताएगा कि हाँ हमारे घर 5 बाबा कह ले कि 5 हमारा पिंडा हो और 10 ख़त्म हो जाए, तो हुक प्रक्रिया यही लोग तो आपको हमको शिक्षा दिए हैं। हमारे जितने बिरादरी है छोटे वर्ग की, यहाँ देखिए ब्राह्मण की बाबू हो या कोई भी हो, सब लोग इन्हीं का संतोला माने हैं, जो कहते हैं वही हम लोग करते हैं, हम नहीं हैं, हम उनके साथ करछुल बनकर चलते हैं और ड्यूटी देते हैं, वही कराते हैं, हम करते हैं। तो आज क्यों ऐसा हो रहा है कि जो मतलब हत्या होने के बाद केवल उसकी बात हो रही है, इनकी बात क्यों नहीं हो रही है? आपको लगता है उनकी बात हो रही है, सिर्फ दुबे का और इनकी बात नहीं? हाँ, इनकी बात आज भी नहीं हो रही है। ऐसा क्यों लगता आपको? प्रशासन तो लगा हुआ काम करने में। जातिवाद हो गया है, इसमें विवाद हो गया, ब्राह्मण विवाद हो गया, और विवाद सुनिए, मैं नाई हूँ, मैं चैलेंज देता हूँ कि बाबा जहाँ भी चाहें
वहाँ भी मुझसे मिले और मैं पूरे बिरादरी को कहूँगा पिछड़ी वर्ग को, जैसे इन्होंने सम्मेलन करवाया अपने घर, जैसे उन्होंने नेता को बुलाया, कलम ब्रह्मभोज कराना था तो विधायक और एमपी जाए, हमारी जनता जा रही है तो हमको रोका जा रहा है। क्यों रोका जा रहा है? क्यों हमारे पास वो नहीं है? हम क्या हत्यारे हैं? हम जा करके मॉडल कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, क्यों हमको रोका जा रहा है? आप बतलाइए। आखिरी में आपसे, प्रेमचंद यादव और सत्य प्रकाश दुबे दोनों लोग कैसे व्यक्ति थे? दोनों हमारे, प्रेमचंद यादव बहुत बढ़िया और हमारे गांव के संरक्षक थे, छोटे और सबको बड़ों को एक तार समझते थे, और दुबे का परिवार जो है उनकी औरत और वो घमंड से, वो 100 बीघा का जो तनिहार है उनको गरीब बनाया जा रहा है, और जो 10 बीघा का जो तनिहार है उसको बहुत बड़ा भूमिया माफिया बनाया जा रहा है। ये क्या भू माफिया नहीं हो? वो कहाँ है? कोई दिखा है? फिर उनको कहा तो जा रहा है भू माफिया है तो कहाँ है? कह रहे हैं वो अपने मर्जी से कह रहे हैं, योगी जी कहवा रहे हैं। कभी 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 किसी की जमीन उन्होंने हड़पा है? कहीं किसी को परेशान किया? अरे सरकार, आप सोशल मीडिया वाले हैं, कहीं भी दिखाइए ना, किसी थाने में दिखाइए, कहीं भी दिखाइए, तहसील में दिखाइए, कचहरी में दिखाइए, कहाँ दिखाएंगे आप बताइए हमें, हमें दिखा कर बतलाइए, आप बताइए हमें। आप लोग सबका ये निर्वाहन करने वाले हैं कि कोई सोच रहा मीडिया वालों को जिया जाता है कि मीडिया वाले पर्दाफाश करेंगे, क्यों आप लोग दबे हुए हैं? क्यों दब करके आपको कर आपको लगता है कि मीडिया वाले दबे हुए हैं? जी हाँ, हमारे सामने दबे हुए हैं कि पहला उछाल प्रेम यादव का हुआ और उसके तीसरे दिन से केवल यह सत्य प्रकाश दुबे का उबाल हो रहा है। इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी आप लोग इस वीडियो को देखकर क्या कहते क्या कहेंगे? और ये शर्मा जी थे हमारे साथ, इन्होंने भी जितनी बातें कही हैं लगभग इधर उधर से सुनी ही है, वही बातें अभी बता रहे हैं कि क्योंकि उस वक्त आप तो नहीं गए थे वहाँ पे जिस दिन हुआ था, लोगों से सुने थे वो बातें बता रहे हैं। बाकी आप लोग वीडियो देखकर कमेंट में जरूर लिखिएगा, दोनों पक्ष को न्याय दिया जाए और दोनों पक्ष का निर्णय निकाला जाए, नहीं तो सीबीआई जांच मंगाया जाए, उससे पर्दाफाश हो जाएगा। वीडियो को नीचे कमेंट जरूर करिएगा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।